ये नाज़रीन, ये एक गार्नट है, गार्नट का एक पीस है, ये टूटा हुआ है, इसलिए अब इसको मज़ीद तोड़ कर हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर बहुत खूबसूरत रेड कलर है। बाज़ार ये डार्क लग रहा है, मगर ये डार्क रेड कलर है, बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर है। तो इसको अभी मज़ीद तोड़ते हैं, क्योंकि ये इसमें आयरन ज़्यादा होती है, इसलिए ये डार्क कलर में नज़र आता है। तो मज़ीद इसको तोड़ कर आपको दिखाते हैं। ये देखें किसका कुछ साइड, ये आपको रेड नज़र आता होगा, ये मुकम्मल रेड कलर में है, मगर इसमें ज़्यादा आयरन की वजह से ये आपको बज़ाहिर डार्क नज़र आ रहा है। तो ऐसे पत्थर को थिन करके, बहुत ही ज़्यादा पतला करके इसको फेसेट या कैप्शन बनाया जाता है, क्योंकि ये बज़ाहिर नज़र आता है डार्क, फिर इसलिए इसको बड़े फेसेट और थिन फेसेट लगाए जाते हैं। तो अभी इसको तोड़ कर देखते हैं। ये देखें अभी ये टूट गया है, ये ऐसा इसका ये आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत खूबसूरत रेड कलर है ये। ये तोड़ना तो नहीं चाहिए मुझे, मगर वैसे आपको वीडियो दिखाने के लिए इसको मैं ज़ाया ही कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअली इसमें से लाइट पास करके भी आपको दिखाएंगे। ये देखें रेड कलर है इसका, जितना थिन होगा इसका कलर वाजे होता नज़र आएगा। तो अभी इसको मैं इसमें से लाइट पास करके फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें नाज़रीन, ये इसमें बिल्कुल आपको वाजे नज़र आ रहा है, रेड कलर है, बहुत ही खूबसूरत कलर है इसका, मगर ये ज़्यादा आयरन की वजह से इसको ब्लैक नज़र आता है। तो ये देख सकते हैं आप, जितना इसको बारीक पतला तराशा जाएगा थिन करके, उतनी इसकी लस्टर भी ज़्यादा होता है और कलर भी वाज़े नज़र आता है। मज़ीद इसको तोड़ कर देखते हैं। ये छोटा पीस आपको दिखाते हैं नाज़रीन, ये देख सकते हैं नाज़रीन, बहुत खूबसूरत कलर है इसका। किसी जगह ये पर्पल नज़र आता है, किसी जगह पे ये रेड। तो जी आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत कलर है। बिल्कुल जिस तरह शीशा होता है, इस तरह इसका लस्टर है, ये आपको नज़र आ रहा रेड कलर। जी आप देख सकते हैं, ये बज़ाहिर आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, मगर ये रेड कलर है, डार्क रेड। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये छोटे छोटे आपको तजर्बे करके इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको समझ आए कि ये बाज़ पत्थर बज़ाहिर डल लगते हैं और ऊपर से बंद होते हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और आला क्वालिटी के स्टोन्स होते हैं। अगर उन पर थोड़ी सी मेहनत की जाए, उनको ट्रिमिंग की जाए, उनको साफ़ करके तराशा जाए, तो बहुत ही ज़्यादा कीमती और बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।